ये एलेक्सा स्टॉप, ये एलेक्सा स्टॉप। नमस्ते जी, आई एम योर कशिका एंड वेलकम टू अनदर पेज ऑफ माय डायरी। सो आपने लास्ट व्लॉग में देखा कि मम्मी आई हुई थी और मेरा भाई आया हुआ था छोटा वाला। सो हम लोगों ने थोड़ा टाइम स्पेंड किया, बातें वगैरह करी, और जब वो लोग चले गए ना उसके बाद मैंने एक रैंडम सीरीज स्टार्ट करी के ड्रामा की, एंड मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं उस सीरीज को देख के इतना रोई हूँ, लाइक मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्यों रो रही हूँ, बट आई वॉज जस्ट क्राइंग, सिंपली आई वॉन्टेड टू क्राई एंड आई वॉज जस्ट क्राइंग इट आउट। मैंने पूछा अपने आप से कि भाई क्या हो गया, क्यों इतना रो रही है, बट मेरे पास कोई आंसर नहीं था। सो आई रियलाइज कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप ना अंदर से कुछ पॉइंट अपने रखते हो, कुछ ऐसे फीलिंग्स रखते हो जो कि अगर आप कुछ देखते हो उससे रिलेटेड तो आपको बस रोना आता है, यू फील हैवी, आपका मन करेगा आप रो। सो उस टाइम पे ना सिर्फ रो, क्राई इट आउट, डोंट थिंक मच क्यों हो रहा है क्या हो रहा है, बस उसको निकलने दो, उसके बाद आप डेफिनेटली काफ़ी अच्छा फील करेंगे एंड देन आप अपने आप से पूछ सकते हैं, अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि हुआ क्या था, मैं क्यों रो रही थी, मैं क्यों रो रहा था, मुझे क्या प्रॉब्लम थी, तब आपको आराम से आंसर भी मिलेगा एंड यू विल फील गुड ऑल्सो। सो बेसिकली इट्स रियली फाइन टू क्राई, आपकी लाइफ हमेशा परफेक्ट नहीं होती है, एक लाइफ है, छोटी सी लाइफ है, आप बहुत कुछ करना चाहते हो और आजकल इतनी सारी चीज़ें आप देखते हो तो आपका सब करने का मन करता है, हर चीज़ आप नहीं कर पाओगे, स्पेशली एक टाइम पे तो डेफिनेटली आप वो सारी चीज़ें नहीं कर सकते हो, आपको सिर्फ एक्सेप्ट करना है एंड उसके लिए वर्क करना है, अपना 100% दो जो भी आप चाहते हो एंड देन जस्ट लीव इट। और मैंने एक चीज़ और रियलाइज़ करी है कि आप ना डेस्टिनेशन से ज़्यादा ना अपनी जर्नी इन्जॉय करो, मतलब अपनी डेस्टिनेशन डिसाइड करो मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है, मुझे क्या अचीव करना है फॉर दिस स्पैन ऑफ टाइम के लिए एंड देन उस पर कैसे वर्क करना है, बस उस पर फोकस करो। अगर आप उस जर्नी से प्यार करोगे ना, उस जर्नी को इन्जॉय करोगे, आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा कि कब आपने वो टाइम स्पेंड कवर कर लिया और आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हो, और आपने पूरे रास्ते वो चीज़ दिमाग में रखी भी नहीं है कि आप कुछ और इन्जॉय नहीं कर पाए, आपने सब इन्जॉय किया और आपने वो अचीव भी किया जो आप अचीव करना चाहते थे, तो कुछ ऐसा होगा। वहीं अगर आप डेस्टिनेशन दिमाग में रखेंगे तो ना आप जर्नी इन्जॉय कर पाओगे और जब वो मिलेगा ना तो आपको उसकी वैल्यू भी उतनी नहीं लगेगी। सो मैंने तो अभी ये डिसाइड किया है कि मेरे को पता है मुझे भी क्या करना है शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए, उसके लिए मुझे रेगुलर बेसिस पे क्या करना है, मुझे बस उस पर फोकस करना है। इट विल टेक टाइम, डर लगेगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी और डरना सबको लगता है, नो मैटर व्हाट आपने जो भी अचीव कर लिया ना, आपके डेफिनेटली कुछ गोल्स होंगे और उन गोल्स के लिए आप वर्क करोगे तो डर तो लगेगा ना, बिकॉज हर कोई एक सेकंड स्टेप चढ़ रहा है, आप अगर दूसरा स्टेप चढ़ रहे हो तो कोई चौथा स्टेप चढ़ रहा है, कोई दसवां स्टेप चढ़ रहा है, पर हर कोई एक नया स्टेप चढ़ रहा है, तो हर किसी को डर लगता है बिकॉज उनके लिए वो एक नया स्टेप, एक नई चीज़ है और सब इंसान है, सबको डर लगता है। सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेक इट नॉर्मल कि ये सबके साथ होता है, मैं कोई अनोखी नहीं हूँ। सो दिस इज समथिंग आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन एंड गेट इन टू माई हेड वेरी स्ट्रांगली, और ये आप लोगों के साथ मैं इसे शेयर कर रही हूँ बिकॉज कहीं ना कहीं आप लोग अगर इससे कुछ हेल्प ले पाए सो आई वुड बी वेरी हैप्पी विद दैट थॉट। ओके, मूविंग ऑन, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट माई बर्थडे सीरीज, मैंने बहुत कुछ प्लान किया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें प्लान करी हैं अपने फैशन चैनल के लिए भी और यहाँ पर भी, हर एक दिन एक नई तरीके से इन्जॉय करूँगी अपने बर्थडे को और एक नई चीज़ करूँगी, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। और आज मेरी खाने वाली आंटी नहीं आई है सो मैंने बरीटो ऑर्डर करा है एज यूजल माई गो टू मील, सो मैं इसको खाती हूँ और फिर मिलते हैं। गाइज मेरे भाई आया हुआ है जो कि कैमरा शाय है और मैं जबरदस्ती आज इसको अपने ब्लॉग में लेकर आना चाहती हूँ। स्मार्ट है ये, पर रहता ऐसा है लीछड़ों की तरह, जिस दिन ये अपना ध्यान रखना स्टार्ट कर देगा ना मैं आपको शर्ट लगा कह रही हूँ, इससे स्मार्ट कोई नहीं होगा हमारे खानदान में। थैंक यू, से कुछ नहीं होता, भगवान आपको क्वालिटी देते हैं पर अपनी क्वालिटी यूज़ ना कर पाओ तो आप गधे के लाते हो इंसान नहीं। समझ रहे हो आप ये बात? Yes, मेरे इस भाई को ना रोल ऑब्सेशन हो गया है ना, उस दिन लास्ट टाइम आया तब भी रात में पता नहीं कितने बजे मैं उठी पानी पीने तो ये रोल खा रहा था मंगा के, आज भी खाना बनाए तब भी रोल खा रहा है। रोल बहुत पसंद है, रोल जैसा क्यों नहीं हो पा रहा फिर तू? आइसक्रीम खाने चले? वो तो उस पर देख लेंगे ना उसके ठेले पे। हेलो ब्रदर, क्या खाना है बताओ, क्या खाएगा सनी? Dum 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 dum.
ऐसी कुछ खा इंटरेस्टिंग ऐसी कुछ interesting, है आप करो इंटरेस्टिंग स्माइली लॉन्चर है क्या फ्लेवर है इसका पाइनएप्पल इनका बड़ा ठेला हो गया ना ये इसका इंक्रीमेंट हो गया लड़के का है ना इंक्रीमेंट हो गया ना अब सैलरी कितनी बढ़ गई परसेंटेज पे है और तो तुमने अगर एक दिन में एक ही आइसक्रीम बेची तो एक के पैसे मिलेगा ये तो गलत बात है कितना परसेंटेज होता है आइसक्रीम कितने की होती है तो तू कितनी कितने की आइसक्रीम बेच देता होगा 5,000 की उसका 15% कितना हुआ 700-800 दिन का पड़ जाता है इतना हाँ फिर क्या प्रॉब्लम है फिर तो भाई अमीर है तू वेरी गुड फेंको वहाँ पे वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन टॉप पे स्काई डाइविंग करो करेगा मेरे साथ नहीं मैं भी नहीं कर रही फिर बाल कट रही मैं कट रही तू मेरे से भी ज्यादा कॉन्शियस है ना अपने आप को स्क्रीन पे देखने के लिए मुझे पसंद नहीं है कैमरा नहीं क्लिक करवाता तो अपने आप को लेके कॉन्शियस मुझे लग रहा है हो सकता है पर मुझे कैमरा नहीं पसंद वो मुझे नहीं पता यस ये मैंने कोरियन सीरीज उसमें देखा है व्लॉग में ऐसे करते हो लोगों को बस यही करना था The next day. Hi guys, so it's the next day. और आज मैंने बिना टाइम वेस्ट करके सुबह उठते ही रेडी शेडी होकर अपनी वीडियोज़ वगैरह कंप्लीट करी हैं बिकॉज काफ़ी टाइम से मैं डिले ही करती जा रही थी कि कल करूँगी परसों करूँगी बट आज मैंने वो कंप्लीट करा और मैंने अपने लिए बनाए हैं तुकपोकी ये है कोरियन राइस केक्स ये वहाँ के जो केड्रामा और कोरियन साइड वाले फ़ैन उनको पता होगा ये क्या चीज़ है मैंने इसको थोड़ा देसी स्टाइल में बनाया है जैसे मैं व्हाइट सॉस पास्ता बनाती हूँ ना वैसे बनाया है थोड़ा सा डिफरेंट बनाने की कोशिश करी है एंड इट इज़ फाइन लाइक बहुत ही परफेक्ट नहीं है बट ठीक है काम चला हुआ है बिकॉज आज हमारी खाना बनाने वाली आंटी नहीं आई हैं सो इसी से काम चलाना पड़ रहा है मुझे और घर में कुछ ऐसा था भी नहीं बनाने के लिए जो मुझे बनाना आता हो और मेरा भाई जिसको कुकिंग आती है वो सो रहा है उसकी ना नाइट शिफ्ट होती है तो उसका रूटीन वैसे ही बना हुआ है तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी तो मैंने ये बना लिया अब जब वो उठेगा तब देखते हैं अदरवाइज शाम तक क्या पता आंटी आ जाए तो अभी मेरा एक ही वीडियो रहता है उसके बाद मुझे जाना है ग्रूमिंग करवाने मेरे को करवाना है मैनीक्योर पेडिक्योर नेल्स ऑल दो मेरे नेचुरल नेल्स काफ़ी अच्छे हैं नेल पेंट लगा के अच्छे लगते हैं बट मेरा ना इस बार नेल्स लगवाने का मन है लाइक एक्सटेंशन करवाने का मन है मतलब बहुत ज़्यादा मन हो रहा है सो आई थॉट कि इतनी छोटी सी चीज़ के लिए मन को मारते नहीं है करवा लेते हैं और मेरा बर्थडे है तो इतना तो बनता ही है यार कल मैंने वैक्सिंग करवा ली थी रात में हरे राम पीरियड से भी ज़्यादा अगर मुझे किस चीज़ से डर लगता है ना वो है वैक्सिंग करवाने से मुझे बात ही नहीं करनी है उस बारे में छोड़ो तो अभी एक वीडियो कंप्लीट करते हैं उसके बाद चलते हैं अपनी ग्रूमिंग करवाने मैं शूट कर रही तो मेरा भाई बिना बताए चला गया चाबी लेकर और कुंडी भी लगा दी और मेन गेट भी लॉक कर दिया अभी मेरा एक फ्रेंड आया हुआ है और वो बाहर खड़ा है और अभी गेट नहीं खुल पा रहा सो मैं देखूंगी शायद ये वाली चाबी दूसरी वाली चाबी है इसको नीचे से डालकर ट्राई करते हैं अगर गेट खुल जाए तो मैं चाबी फेंक रही हूँ अबे अबे आ गई ट्राई करिए इसकी है या नहीं इसकी चाबी नहीं है नहीं है इसकी चाबी नहीं अबे यार फिर दूसरी वाली चाबी बतानी कहाँ है ये वी फाइनली गॉट द कीज तो मेरा भाई पिटेगा आकर यार चाय थोड़ी देर के लिए ना ये महंगी चीज करके ना फीलिंग तो अच्छी आती है बट इट इज जस्ट अ शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस आई गेस You happy? ये शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस भी आई थिंक कब कब जरूरी है You happy? I'm